before and after. Yes guys, once again welcome to Shyama's Makeover Channel. Yeah friends, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स. और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हाउ टू कट फ्रीजी एंड कर्ली हेयर कट ट्यूटोरियल्स. सो मेक श्योर फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये खूबसूरत सा हेयर कट मैंने कैसे किया है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका प्रीवियस वीडियो जो कि बहुत ही कर्ली और अनरूली था और नाउ यू कैन सी सच अ नाइस और अमेजिंग. तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने इनको किस तरह से ब्लो ड्राई भी किया है, ऐसे बालों को आप ब्लो ड्राई भी कैसे कर सकते हो. तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट आई एम डूइंग सेक्शनिंग. सबसे पहले मैं सेक्शनिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स. सेंटर प्रोफाइल सेक्शन करना है पहले और कॉम कर रही हूँ. टॉप ऑफ द ईयर टू टॉप ऑफ द ईयर सेक्शन लेना है आपने. यहाँ से भी टॉप ऑफ द हेड टू टॉप ऑफ द ईयर लिया मैंने. बैक के जो बाल हैं उनको मैं कॉम कर रही हूँ. सेक्शन क्लिप से मैंने बैक के बालों को टक किया, ये देखिए. ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं फ्रंट में आई हूँ और फ्रंट में आने के बाद मैं चेक कर रही हूँ. इनके ऑलरेडी बैंग्स थे बट मैं उस बैंग्स को टच नहीं करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा इनको लॉन्ग देना चाहती हूँ. तो बैंग को मैं टच नहीं कर रही हूँ. उस जो फ्लिक्स था, जो लॉन्ग इनके फ्रिंजेस थे, वो भी काफ़ी लंबे हो गए हैं तो मैं उनको टच नहीं कर रही हूँ. अगेन मैंने दूसरा सेक्शन ले रही हूँ, देखिए उसको मैं कट कर रही हूँ. देखिए नोज़ के सामने ले जाके मैंने कट किया फ्रेंड्स. उसके बाद डिवाइड किया दोनों बालों को, ये मुझे गाइडलाइन मिला है और गाइडलाइन लेते हुए मैं बाकी बालों को कट कर रही हूँ. यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ करनी है. देखिए जो आप कट करते हैं देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है. यू कैन सी द लेयर्स फ्रॉम फ्रंट साइड. सो फ्रेंड्स मैं इनको ज़्यादा लेयर्स नहीं दूंगी, बैक साइड में मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं दूंगी. अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप. सो मैं क्लाइंट के लेफ्ट साइड आई हूँ. देखिए राइट साइड का जो हेयर था उसको लिया और उसको मैंने कट किया. ये देखिए राइट साइड में ऑलरेडी मैं बाल को काट चुकी थी तो मुझे गाइडलाइन मिला था और गाइडलाइन लेते हुए मैं कट कर रही हूँ. देखिए अगेन मैं देख रही हूँ कि थोड़ा अनटाइडी है, मैं दोबारा से कट कर रही हूँ. जी हाँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चेकिंग कर रही हूँ, मुझे कहीं छोटा कहीं बड़ा लग रहा है तो आप देख सकते हो मैं चेक कर रही हूँ. चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने देखा क्लाइंट का राइट साइड थोड़ा बड़ा था तो दोबारा से मैंने वहाँ पे कट किया और कट होने के बाद देख सकते हैं फिर अगेन मैंने बैक के बालों को लिया, बैक का हेयर लिया और उसको मैं फ्रंट के बालों के साथ मैच कर रही हूँ और उसके साथ साथ लेते लेते मैं कट कर रही हूँ. तो बैक के सारे बालों को मैं कहाँ पे ला रही हूँ फ्रेंड्स, क्लाइंट के फ्रंट में लेके आई हूँ. फॉरवर्ड लेके आ रही हूँ और आई एम जस्ट डूइंग अ हेयर कट, यू कैन सी. सो फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ आपको, जब आप बैक के सारे बालों को फ्रंट में ला के कॉम करके हेयर कट करते हैं तो इस सिचुएशन में जो क्लाइंट का हेयर है वो ज़्यादा कट नहीं होता, लेंथ अच्छा रहता है और आप उसमें अच्छे से हेयर कट दे सकते हैं. मेरा टेक्निक फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इसलिए कई व्यूअर्स मुझे पूछ रहे थे कि मैम आप एक जैसा हेयर कट दिखाते हो बार बार. बट फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और
क्यों जाते हैं? बिकॉज उनका खाना सिमिलर होता है ऑलमोस्ट. आप जाओ और आपको वैसा ही खाना मिले तभी तो आप जाते हो ना. इसलिए फ्रेंड्स टेक्निक हमेशा सेम होता है बट जो इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा. तो सेम वे मैं क्लाइंट के यहाँ, मैं क्लाइंट के लेफ्ट साइड में आई हूँ और बैक के सारे बालों को मैं इस साइड से फ्रंट में कट कर रही हूँ. जैसे कि मैंने राइट साइड में कट किया है क्लाइंट का, उस तरह से मैं क्लाइंट का लेफ्ट साइड में कट कर रही हूँ. देख सकते हैं आप. पतला पतला सेक्शन लेना है और कट करना है. सो आई ऑलमोस्ट फिनिश फ्रॉम बोथ साइड एंड नाउ आई एम डूइंग हर राउंड शेप. आई एम गिविंग हर नाइस राउंड शेप फ्रॉम बैक साइड. मैं इनको बैक से राउंड शेप दे रही हूँ. अगर आपको मेरा राउंड शेप हेयर कट देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं, राउंड शेप हेयर कट बाय श्यामास मेकओवर. सो अभी मैं बॉटम फिनिश कर चुकी हूँ, उनका बेस दे चुकी हूँ, राउंड शेप दे चुकी हूँ. अब मैं टॉप सेक्शन में आई हूँ. सेक्शन बाय सेक्शन लेते हुए मैं 90 डिग्री में कट कर रही हूँ सारे बालों को. देखिए मुझे गाइडलाइन मिला फ्रंट के बालों को काटने के बाद, और उसके बाद मैं ये बॉक्स सेक्शन बना रही हूँ. देखिए किस तरह से सेक्शनिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स. और ये डिवाइड किया सेक्शन, और उसके बाद मैं इसको उठा रही हूँ देखिए. और उठाने के बाद अगेन आई एम डूइंग अ कट एट 90 डिग्री. तो मैं इसको 90 डिग्री में कट कर रही हूँ. सो अगेन मैंने अनदर सेक्शन लिया. देख सकते हो मुझे गाइडलाइन मेरे हाथ में ही है. और गाइडलाइन बिल्कुल भी लेना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स. गाइडलाइन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गाइडलाइन. एंड अगेन देखिए मैं उठा रही हूँ उसको, फिर मैं 90 डिग्री में कट कर रही हूँ. तो पूरा ये जो प्रोसीजर है, आपने कहाँ पे कट करना है फ्रेंड्स? 90 डिग्री में. फिर अगेन मैंने सेक्शन डिवाइड किया, देख सकते हैं. कॉम कर रही हूँ, और कॉम करने के बाद फिर मैं अगेन इसको 90 डिग्री में ही कट करूँगी. सो जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इनको भी फ्रिंजेस कर रही हूँ. हेयर कट पूरा कर दिया है कंप्लीट. अब मैं फ्रिंजेस करने जा रही हूँ, लॉन्ग फ्रिंज. क्लाइंट जो है वो लेफ्ट साइड में रखती है, पर सबसे पहला कट जो होगा ये देखिए क्लाइंट रखती है लेफ्ट साइड में. पर मैंने उनसे पूछा मैम कितना शॉर्ट करना है, क्लाइंट ने बोला हाफ हाफ इंच, वन वन इंच. अब देखिए मैं क्लाइंट के राइट साइड में ले जाके पहले कट कर रही हूँ, उसके बाद क्लाइंट के बैक साइड में आई हूँ. देखिए मैं स्लो मोशन में बना के दिखा रही हूँ वाला हेयर कट, और उसके बाद हल्का सा फिनिशिंग दे दिया. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो फॉर लॉन्ग फ्रिंजेस बाय श्यामास मेकओवर. सो नाउ आई एम डूइंग अ ब्लो ड्राई. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फुल ड्राई कर रही हूँ, नॉर्मली ड्राई कर रही हूँ. पूरे बालों को सुखाना नहीं है, एटलीस्ट 50-60% वेट रहने चाहिए. सो हियर यू कैन सी आई एम यूजिंग डेनमिन एंड मोरकन ब्रश एज वेल. मैं यहाँ पे डेनमिन का बिग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और मोरकन का भी बिग ब्रश यूज़ करूँगी. तो पहले मैं स्ट्रेट कर रही हूँ. देखिए बाल बॉटम में वेट है, क्योंकि जब किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, अनरूली कर्ली है, उस सिचुएशन में फ्रेंड्स पूरे फुल ड्राई मत कीजिए. एटलीस्ट उनका बाल 60% वेट होना चाहिए, और उस सिचुएशन में आप ब्लो ड्राई कीजिए. देखिए पहले मैंने स्ट्रेट किया, आउट किया, और मैं इन कर रही हूँ. इसी ब्रश से मैं इन करके इसको छोड़ देती हूँ. देखिए अब मैं फिर अनदर सेक्शन लिया. अगेन अनदर सेक्शन लेके मैं पहले स्ट्रेट कर रही हूँ देखिए, और उसके बाद सेम प्रोसीजर. पहले स्ट्रेट किया, हीट दिया, बाल अभी भी वेट है, आप फील कर सकते हो, देख सकते हो हेयर वेट है. फिर मैंने आउट किया, और उसके बाद उसको उठाया मैंने 90 डिग्री में, और उसके बाद इन्वर्ट करके उसको हीट दे दिया. वाओ सच अ ब्यूटीफुल, यू कैन सी सच अ नाइस हेयर कट. वाओ सच अ बाउंसी हेयर कट, और काफ़ी सिल्की भी लग रही है वाइट इनके हेयर, बिकॉज हमने इनके बालों में यू नो लिज अनलिमिटेड कंडीशनर लॉरियल का विटामिन और कंडीशनर मिक्स करके लगाया है, तब भी यू कैन सी सच अ नाइस इफेक्ट दे रहा है इनके बालों में, राइट. सो हियर यू कैन सी ब्यूटीफुल बैंग्स. देखो कितना अच्छा लग रहा है इनके. पूरा ये जो हेयर कट है पूरा फेस फ्रेम हो रहा है, देख सकते हैं आप. ये फ्रंट लेयर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स. एंड वाओ सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, शी इज़ वेरी हैप्पी.
from back. Oh wow, so beautiful, so nice. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये खूबसूरत सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा. बाय गाइस, सी यू सून.